पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, माय मदर। डायरेक्टेड बाय सुकू कुमार, अ मूवी बेस्ड ऑन क्लासिक रटा रटाया फॉर्मूला, जिसमें एक गरीब लड़का अमीर बनता है बाय फाइटिंग द सिंडिकेट मेंबर्स। थोड़ा खाली खाली लग रहा है नहीं, इसलिए बीच में माँ को डाल दो। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। मेरे पास माँ है। आपने मेरे माँ को गाली दी सर। बी रेडी टू वॉच पुष्पा केरेसिस हिज दाढ़ी हाफ ऑफ द मूवी। So be ready to watch Pushpa. लेकिन उससे पहले, no animal were harmed while making this film. इस चलचित्र को बनाते वक्त किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाया गया है। It's a story about illegal तस्करी of red sandal. Meet Pushpa, जो लड़कियों की तस्करी करता है, अब मेरा मतलब जो लकड़ियों की तस्करी करता है। पर इस बार डीएसपी गोविंद ने इन्हें पकड़ लिया है, और ताकि पुलिस इनका माल पकड़ ना ले, इसलिए इन्हें इसे जल्द से जल्द छिपाना होगा। पर ये सब करने के बजाय दे आर लाइक कर लो पहले। हेयर पुष्पा टीच यू द फूड साइकिल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पत्तियां खाती हैं किरने, पत्तियों को खाता है बकरा, बकरे को शेर दबोचे, भूख से कोई ना बचे। पुष्पा के इन्हीं हुतियापों की वजह से पुलिस इन्हें पकड़ लेती है, जिससे बचने के लिए साउथ इंडियन के सारे लोग कश्मीरी बन जाते हैं। अबे तुम लोगों में से तो ज्यादातर लोगों को ये जोक समझ ही नहीं आया होगा। टाइम लगेगा, यू आर आशीष सोलंकी ऑडियंस, आई नो। एंड इफ यू थिंक सल्लू इज द बाप ऑफ डूइंग माँ बहन ऑफ फिजिक्स, यू हैव नॉट सीन पुष्पा, क्योंकि भाई तो जमीन में कहीं भी रैंडमली लात मार के पत्थर निकाल लेता है। अरे पत्थर तो छोड़ो, भाई तो बिना ड्राइवर के गाड़ी में ड्रिफ्ट मारता है। नाउ पुष्पा गॉट अरेस्टेड, जिसे छुड़ाने के लिए आता है कॉन्डम रेडी, अब मेरा मतलब रेडी गैंग। मीट जॉली रेडी, द नाजाइज अलाउड ऑफ इंस्पेक्टर तालपड़े, जो लड़कियों के चक्कर में बार बार धंधे की एल लगाता रहता है। सीरियसली ये इतना अनइम्पोर्टेंट है कि इसे इसके खुद के लोग नहीं पहचानते। जीजा, जॉली रेडी को पकड़ लिया है। अबे ये जक्का रेडी है, जॉली रेडी नहीं, इसलिए कहता हूँ। ऊपर से सोचने का, कमर के नीचे से बिल्कुल नहीं। जो दो कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल कर, जो दो टांगों के बीच में है उसका नहीं। जॉली पुष्पा को अपनी गाड़ी में बैठने को मना कर देता है। अबे बीच जंगल में ऑटो कौन चलाता है यार? वही तो। नाउ पुष्पा गेट प्रमोशन जब वो लकड़ी चेक पोस्ट से पार करवाता है। हाँ, क्योंकि पुलिस तो हुतिया है, इनके सिर के ऊपर साफ साफ लटकी लकड़ी दिखती नहीं, कंटेनर के अंदर क्या घंटा दिखेगा भाई, कानून अंधा होता है, हुतिया नहीं। काम के सिलसिले से पुष्पा मिला है श्रीवल्ली से, श्रीवल्ली पुष्पा को अपना दूध देती है। अरे मेरा मतलब श्रीवल्ली पुष्पा को अपने गाय का दूध देती है। नाउ पुष्पा फॉल इन लव विद श्रीवल्ली, इसलिए दिन भर वो उसका पीछा करता है, और फिर रात को घर जाके क्यों भाई मुट्ठी भींच रहा है। बट वी नो, शक्ल देखकर तो लड़की पटने से रही, इसलिए केशव उसे स्माइल करने के 1,000 रुपए देता है। एक सेकेंड यार, चूड़ा लानी हुंदी 1998 को रिलीज हुई थी, और इस मूवी के हिसाब से पुष्पा 2011 में अरेस्ट हुआ था, तो ये लोग 1998 में मूवी देखने कैसे गए? ये पूछना तुम्हारा काम है। पर पुष्पा एक सख्त लौंडा है, उसे पैसे देकर लड़कियों का अटेंशन लेना पसंद नहीं, इसलिए वो कहता है तो उसको 5,000 दे दे, बोल मेरे को पप्पी करने। नाउ पुष्पा इज एक्साइटेड, पर तभी श्रीवल्ली केल पीडी कर देती है। मैंने सोचा था पहली चुम्मी पति को दूंगी, मेरा दिल नहीं मान रहा। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, इसलिए वो उससे शादी करने का फैसला करता है। अब इसे कौन समझाए, शादी के लिए लड़का धंधे वाला होना चाहिए, लड़की धंधे वाली नहीं। नाउ अब पुष्पा की शादी फिक्स हो जाती है। लुक, दैट इज द पावर ऑफ मनी, भले ही लड़का दिखने में गोरिल्ला का बच्चा है, पर अगर पैसा है तो लड़का अच्छा है। पर पुष्पा एक लवारिस है, इसीलिए उसकी शादी कैंसिल हो जाती है। तुझे मेरा प्यार चाहिए, समाज में इज्जत, मैंने प्यार को चुना। आंटी आप प्रोटेक्शन भी चुन सकती थी। वही तो। That's why people say, चाहे इज्जत हो या प्यार, always laminate your तलवार। वहीं दूसरी तरफ सीआईडी अभिजीत, मत कर लो। मेरा मतलब है डीएसपी गोविंद को पुष्पा के ठिकाने के बारे में पता चल चुका है, इसलिए पुष्पा को पिछली रात सारी लकड़ी चेक पोस्ट पार करानी थी, पर फिर भी वो लकड़ी पार करवाता नहीं है। तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ, कुछ जाओ मेरी। बट पुष्पा इज अ मास्टर माइंड, इसलिए वो सारा माल नदी में फेंक कर डैम बंद करवा कर माल बचा लेता है। ड्यूड हाउ इज दिस पॉसिबल, चंदन की लकड़ी की डेंसिटी पानी से भी ज्यादा होती है, इस हिसाब से सारी लकड़ी पानी में डूब जाएगी। ये तो गधा निकला।
रहे। और अब सबको पता चल चुका है कि श्रीवल्ली का बाप खबरी है। दैट्स व्हाई जॉली डिमांड वन नाइट स्टैंड टू सेव हर फादर। पर श्रीवल्ली जान के बदले गा, मेरा मतलब अपनी इज्जत नहीं देना चाहती, इसलिए वो पुष्पा को फुसलाने जाती है। ये सब नहीं होने वाला है। अपनी किस्म खा कर कह रही है, दिल में दिल ठोक कर कह रही है, मैंने एक दिन भी बात करी हो तो सिर्फ आज की रात मेरे साथ बिता ले। इट इज द परफेक्ट टाइम टू डू सम गपा गप। पर गपा गप करने के बजाय ये हुतिया लड़ने चल देता है। ये तो गधा निकला रहे। नाउ इट्स अ फाइट बिटवीन जॉली एंड पुष्पा, जहाँ पुष्पा ने उसे गिरा गिरा के मारा, उठा उठा के मारा, पटक पटक के मारा, मतलब मार दी। जिसका बदला लेने के लिए कोंडा रेडी उसे जान से मारने की प्लानिंग बनाता है, पर तभी राइवल गैंग उन पे हमला बोल देता है। इस सब भसड़ में समहाउ कोंडा रेडी, जो एक अपाहिज है, उसका हाथ दिख जाता है। एंड हियर गेट रेडी टू सी द फेक फाइट ऑफ साउथ इंडियन मूवीज, जहां एक आदमी को मारने पर दूसरा आदमी खुद ब खुद गिर जाता है। रिवॉल्वर जमीन पे गिरने के बावजूद पुष्पा के हाथ में आ जाती है। इन्हें क्या लगा इनकी ये छोटी छोटी मिस्टेक कोई पकड़ नहीं पाएगा? नॉट इन माई केस। मुझे तो ये भी पता है कि पुष्पा पर्सनल नहीं बल्कि भाड़े के वैन में घूमता है, बिकॉज यू कैन क्लियरली नोटिस द नंबर प्लेट इज नॉट सेम। सिर्फ पुष्पा ही नहीं, इन्होंने श्रीवल्ली की मोटरसाइकिल का भी नंबर प्लेट चेंज किया है। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, मुझे सब पता है। मैं आदमी अलग है रे। जैसे तुम लोगों में से ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि पुष्पा और श्रीवल्ली एक ही गांव में रहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में पुष्पा के पीछे जो पहाड़ दिखाया गया था वो वही पहाड़ है जो श्रीवल्ली के गांव में था। इनफैक्ट श्रीवल्ली के गली के बगल में जो पोस्टर छपा था इज द सेम पोस्टर जो पुष्पा के गांव में था। तुम्हें कैसे पता चला? यही तो कलाकारी है अपने पास। नाउ पुष्पा ने मंगल सीनू के साले को पकड़ लिया है, जिसे बचाने के लिए वो उससे भीख मांगता है। 5 मिनट पहले फोन करने का था ना, लेट कर दिया, अभी जिंदगी जा चुकी है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बम पेट फाड़ देनी। गोली पेट में मारी थी और लगी इसके सिर पे है। नाउ एवरीबॉडी इज वंडरिंग कि सिंडिकेट का अगला कॉन्ट्रैक्टर कौन बनेगा। पर तभी पुष्पा कहता है, सारे फालतू के कट रोक दूंगा, धंधे में अपनी जान झोंक दूंगा। मेरे को एक चांस दे के देखो ना, खिले ठोक दूंगा। पर कहानी में आता है चेंज जब एंट्री होती है एसपी बवर शेखावत की, जो बस नोट गिनने के लिए टेबल की सारी चीजों को गिरा देता है। यार मुझे भी ऐसा जॉब करना है जहाँ पे कुछ भी तोड़फोड़ मचा सकूं, वरना अपने यहाँ तो एक चाय का कप गिरने पे भी मैनेजर आके बोलता है, एक लैपटॉप मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। बट थिंग्स गॉट हीटेड जब पुष्पा शेखावत को कहता है, चल शर्ट उतार। इसीलिए कहता हूँ कभी भी किसी दोस्त के साथ अकेले में दारू नहीं पीनी चाहिए। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। नहीं यार अब बस बहुत हो गया, पिछली वीडियो में मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े थे, वो दिन तुमको इतना ज्ञान दिया, इसलिए अगर तुम्हें सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। किसको बोलता है रे तू।